अब सुनो, वो पानी भेज देना प्लीज। हाँ, तुमने बात तो कोई सुननी नहीं होती मेरी। हेलो मानवी, बेटा मुझे आज एक लड़की हॉस्पिटल में मिली थी। उसने कहा कि उसने अपनी आंखों से तेरे बाबा का एक्सीडेंट होते हुए देखा था। क्या उसने बाबा का एक्सीडेंट होते हुए देखा? हाँ, वो मैंने उसे बहुत पूछा पर उसने बताने से साफ मना कर दिया बेटा। लेकिन क्यों माँ? आप वहाँ हॉस्पिटल में ही है ना? आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। बहुत खुश हूँ कि आई विटनेस मिल गए। अब तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सच्चा था और कौन झूठा। हाँ राहुल, सारी सच्चाई पता चल जाएगी। बस इसी बात का तो डर है। अवंती, तुम मानवी के पीछे अपनी जिद के लिए अपना दिमाग खराब कर रही हो। तुम्हें ये सब रोकना होगा। मॉम प्लीज, जब तक मैं राहुल को पा नहीं लूंगी तब तक तो मैं चुप बैठूंगी नहीं। और आप बिल्कुल कोशिश मत करिएगा मुझे रोकने की, क्योंकि लास्ट टाइम तो आपको मौका मिल गया था मुझे बचाने का। पता नहीं इस बार मिले ना मिले। माँ, कहाँ है वो लड़की? मानवी बेटा, मैंने उससे बहुत पूछा पर वो कुछ बताना नहीं चाहती। आपने उसकी कोई डिटेल्स ली? नहीं, पर मुझे वो रिसेप्शन के पास मिली थी बेटा। उसके हाथ पे बैंडेज लगा था, फ्रैक्चर नहीं था, चोट थी। पर मुझे लगता है उनके पास पेशेंट का रिकॉर्ड तो होगा ना। आज ओपीडी में एक पेशेंट आई थी, उनके हाथ पे चोट लगी थी, पूरा हाथ बैंडेज था उनका। कोई हाँ 12:30 बजे के करीब आई थी। आप प्लीज मुझे उनका नाम और उनकी डिटेल्स दे सकती हैं? आई एम सॉरी मैडम, हमें ऐसे किसी भी पेशेंट्स के डिटेल्स नहीं बता सकते। निशा एक काम करो, देखो मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, जो भी डिटेल लेनी चाहिए आप दे दीजिए। ओके सर। मैम उनका नाम नीरू है, बाकी के एड्रेस डिटेल्स मैंने इसमें लिख दिए हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। मैं उस लड़की से अकेले में बात करना चाहती हूँ। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम मुझ पे कहाँ भरोसा करोगी? तुम तो राहुल पे भरोसा करती हो ना। सुजॉय, मैं किसी पे भरोसा करने की वजह से मना नहीं कर रही हूँ, तुम प्लीज मुझे गलत मत समझो। रियली? तो ठीक है, तुम राहुल को भी बुला लो, साथ साथ चलते हैं, सामने सामने बात भी हो जाएगी। हेलो राहुल, राहुल मैं तुम्हें एक एड्रेस मैसेज कर रही हूँ, तुम जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाओ। प्लीज मेरी मदद कर दो। मैं वादा करती हूँ मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे बता दो कि आखिर वो इंसान कौन है जिसने मेरे बाबा के साथ ये सब किया। आइए अंदर। तुम उस लड़के को पहचान लोगी ना नीरू? हाँ, मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूल सकती। पर मानवी, मैं इन सब बातों में नहीं घुसना चाहती, ये पुलिस केस वगैरह, मैं इन सब में नहीं फंसना चाहती मानवी, मैं गवाही नहीं देना चाहती। नीरू तुम किसी बात की फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं कभी पुलिस के पास नहीं जाऊंगी। बस प्लीज मुझे एक बार बता दो कि वो इंसान कौन है। और तुम उसे ढूंढोगे कैसे? वो दोनों मेरे साथ आए हैं यहाँ। अगर आपको अभी भी डर लग रहा है तो मैं अपनी सिक्योरिटी में से एक गार्ड आपके यहाँ तैनात कर देता हूँ। ऑफिसर, मुझे आपकी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपनी एनफ सिक्योरिटी है। क्या कर रहे थे आप राज? मैं क्या करूँ सोनाली, घर में शेर के पाँव के निशान पाए गए। अगर वो शेर के पाँव के निशान नहीं होते तो शायद मैं इस तरीके से रिएक्ट नहीं करता। कोई और जानवर होता तो शायद यूं छोड़ देता, लेकिन यू नो ना, इसका मतलब समझती हो ना तुम? आई नो, मैं खुद बहुत परेशान, लेकिन राहुल ने तो कहा था कि उसने पूजा की थी। कौन जानता है कि राहुल ने पूजा अच्छे से की भी थी या नहीं। कल वैसे भी गुरुजी आ रहे हैं भोग के लिए, वो आते ही सब कुछ बता देंगे, तब तक हमें पेशेंस रखना होगा राज। सब कुछ ठीक नहीं है तो सुनाली, इस ख्याल से मेरी रूह कांप जाती है। उस रात की वो घटना आज भी मुझे चैन से सोने नहीं देती है। आई नो राज, जो कुछ भी हुआ वो एक बहुत बड़ी गलती थी। मैंने उसी वक्त आपसे कह दिया था कि ये सब मत कीजिए, लेकिन लेकिन तुम क्या बात कर रही हो सुनाली, तुम अच्छी तरह से जानती हो, अपनी आंखों को चारों तरफ घुमा कर देखो, ये दौलत, ये शोहरत, ये नाम, ये सब कुछ इस वजह से है जो मैंने उस रात किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राज, अगर उस दिन आपने ये नहीं किया होता तो शायद हमारे पास ये
ये शोहरत, ये दौलत कुछ भी नहीं होता। बताओ इन दोनों में से वो कौन है? नहीं, मैं नहीं कर सकती है। मुझसे नहीं होगा। नीरू, आप सब चले जाइए। नीरू, नीरू मैं हाथ जोड़ती हूँ। तुम घबराओ मत, मैं पुलिस को कभी कुछ नहीं बताऊंगी। मैं किसी से कभी कुछ नहीं कहूंगी नीरू, लेकिन प्लीज मुझे ये बता दो कि वो कौन है। मैं दोबारा तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। नीरू मैं हाथ जोड़ती, प्लीज मुझे बता दो कि वो कौन है। देखिए अभी मैं कोई फैसला नहीं कर सकती। मेरे पापा शहर से भाग गए, कल लौटेंगे। मैं कल उनसे बात करके डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है। तो आप कल आ जाइए, कल बात करते प्लीज। नीरू मेरी मानवी, रिलैक्स। थैंक यू कि तुम कम से कम सोचने तक तो आ गई। पहले तो सीधा ना बोल रही थी। मानवी एक रात की बात है, कल सब क्लियर हो जाएगा। मतलब मानवी अपने डैड के एक्सीडेंट का जिम्मेदार राहुल को मानती है।